हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमारी को फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर माह के 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स पर। आज का वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो सीजीपीएससी ई पाठशाला का जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगा आपका 20 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर आपके इसके रजिस्ट्रेशन के टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित या टेस्ट सीरीज से संबंधित आपके मन में बहुत से डाउट है जो मुझे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक टेलीग्राम के माध्यम से मिले हैं। तो ये सारे के सारे जो भी आपके माइंड में जो ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डाउट है, इससे रिलेटेड एक वीडियो कल मॉर्निंग में आने वाला है, जिसमें टेस्ट सीरीज से संबंधित या टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं या जो भी डाउट है, वो सारे के सारे डाउट्स आपके कर क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट पेपर आपको कैसे मिलेगा, किस फॉर्मेट में मिलेगा, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, आंसर की कैसे मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो कल का वीडियो देखिएगा। जिस किसी को टेस्ट सीरीज लेना है तो उससे संबंधित जानकारी आपको उस वीडियो में फाइनली तौर पर मिल जाएगी। लास्ट डेट याद रखिएगा, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। 20 अक्टूबर से आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के टेस्ट पेपर मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सितंबर माह। सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान, जिसमें है आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। इस पर हम पहले भी एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, लेकिन देखिएगा, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला बनाए जाने की उन्होंने घोषणा की थी। प्रदेश का 28वां जिला बनाए जाने की घोषणा हुई है, गठन नहीं हुआ है, अभी केवल घोषणा हुई है। तो इसी कड़ी में आपका छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधक द्वारा एक आपका अधिसूचना जारी किया गया है इस गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही की सीमाओं से संबंधित। इसकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है और 60 दिनों का आपका दावा आपत्ति के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। अगर इसकी सीमाओं से संबंधित किसी को भी दावा आपत्ति करना है तो इस 60 दिनों में वो आपका राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पास जाकर दावा आपत्ति कर सकता है। तो देखिए, उसमें इनकी सीमा, ये जो आपके नए जिले हैं, इसकी सीमा के बारे में देखिए कैसा सीमा इसका निर्धारण किया गया है, इसको समझिएगा। ये GPM गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, 3 तहसील है इस नए जिले में आपके। 3 तहसील है, कौन-कौन से? गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही 3 तहसील है, 3 तहसील को मिलाकर के एक जिला बनाया जा रहा है। इसके जिला मुख्यालय का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, यानी इस नए जिले का जिला मुख्यालय कौन सा होगा, इसका निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इसकी सीमाओं का निर्धारण हो गया है। देखिए, ये आपके सेंटर में है आपका कौन सा नया जिला, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब समझिएगा, ये जो नया जिला है, पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो नया जिला है वह कितने अंतर्राज्यीय जिला या छत्तीसगढ़ की कितनी जिला को स्पर्श करता है, नए जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करती है। तो याद रखिएगा, कौन कौन से जिले, 4 जिले, कोरिया, कोरबा। समझिएगा, देखिए कौन कौन से जिले की सीमा को स्पर्श करती है, तो वो है आपका कोरिया, कोरबा, बिलासपुर और मुंगेली, 4 जिले की सीमा को स्पर्श करती है। अब समझिएगा, जो राजस्व आपदा प्रबंधन के द्वारा जो आपका इसका सीमा का निर्धारण किया गया, उसमें तहसीलों को भी हाईलाइट किया गया है, उसे समझिएगा। ये जो आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही है, इसके उत्तर में है आपका कोरिया जिला। तो कोरिया जिला का आपका ये मनेंद्रगढ़ तहसील इस नए जिले के साथ उत्तरी सीमा बना रहा है। समझिएगा, यानी गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के उत्तर में कौन सा जिला है, वो है आपका कोरिया जिला, जो कि मनेंद्रगढ़ तहसील, कोरिया जिला का मनेंद्रगढ़ तहसील इस गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के साथ सीमा बनाएगा। ठीक, दक्षिण में है, एक है आपका लोरमी तहसील, मुंगेली जिला का लोरमी तहसील और बिलासपुर जिला का आपका कोटा तहसील। समझिएगा, दक्षिण में है आपका लोरमी तहसील, मुंगेली जिले का लोरमी तहसील और बिलासपुर जिले का कोटा तहसील, जो इस नए जिले गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के साथ दक्षिणी सीमा बनाएगा। ठीक, पूर्वी सीमा में है आपका कटघोरा तहसील, कोरबा जिला का कटघोरा तहसील, याद रखिएगा, कोरबा जिला का कटघोरा तहसील, जो कि पूर्वी सीमा बनाएगा इस नए जिले से। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के पूर्व में है आपका कटघोरा तहसील, कोरबा जिला का कटघोरा तहसील। अब बात आती है कि जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा में आपका ये जो स्पर्श करेगा, ये स्पर्श करेगा मध्य प्रदेश राज्य को, समझ रहे, मध्य प्रदेश राज्य के साथ यह सीमा बनाएगा। तो मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले को स्पर्श करेगा। यदि तहसील की बात की जाए तो सुहागपुर और पुष्प राजगढ़, सुहागपुर और पुष्प राजगढ़ इन दो तहसीलों के साथ सीमा बनाएगा। समझिएगा, पश्चिम दिशा में गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, आपके जो गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले के साथ सीमा बनाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले के आपके सुहागपुर तहसील और पुष्प राजगढ़ तहसील के साथ सीमा बनाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूरे के पूरे चीज को याद रखिएगा। ठीक, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिसके उत्तर में है आपके मनेन्द्रगढ़ कोरिया, दक्षिण में है आपका कोटा बिलासपुर लोरमी मुंगेली, पूर्व में है आपका कटघोरा कोरबा, जबकि पश्चिम में है आपका सुहागपुर पुष्प राजगढ़ अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है दो नए तहसील। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रदेश में दो नए तहसील के बनाए जाने की घोषणा की गई है। समझिएगा, वो नए तहसील कौन कौन से हैं। एक है आपका रतनपुर जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत है, दूसरा है आपका गंडई जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत है। तो आपके बिलासपुर के रतनपुर को और राजनांदगांव के गंडई को नए तहसील बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। अब समझिएगा, अब ये रतनपुर और गंडई यदि नए तहसील बन जाते हैं तो ये जिस जिले में मौजूद है उस जिलों में आपके तहसीलों की संख्या कितनी होगी। अब समझिए, ये जो बिलासपुर है, बिलासपुर में वर्तमान में है आपके 8 तहसील, वर्तमान में है 8 तहसील। देखिए 5 तहसील प्लस ये 3, देखिए गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर के स्वयं के 5 तहसील और ये जो नया जिला बन रहा है उसके गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही यदि उससे भी इंक्लूड कर ले हम लोग तो टोटल उसके पास अभी वर्तमान में है आपके 8 तहसील। रतनपुर यदि उसका तहसील बन जाता है तो बिलासपुर के पास टोटल हो जाएंगे एट प्रेजेंट में आपके 9 तहसील। लेकिन हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि ये जो गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही है अगर ये बिलासपुर से अलग हो गया तो बिलासपुर के पास बचेंगे आपके 5 तहसील। कौन कौन से, देखिए ये वाले तहसील को, ये 3 तहसील को मैं अलग कर दे रहा हूं, तो बिलासपुर के पास गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के अलावा बचेंगे 5 तहसील। कौन कौन से, बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर में है आपका कोटा, नीचे है बिल्हा, एक साइड है तखतपुर, एक साइड है मस्तूरी, तो ये टोटल 5 तहसील। और यदि रतनपुर भी यदि तहसील बन जाता है तो रतनपुर के तहसील बनने के बाद बिलासपुर में हो जाएंगे टोटल 6 तहसील। ठीक, अगर गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही एक नया जिला बन गया उसके बाद का कंडीशन है। ठीक, नेक्स्ट है आपका राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला में एट प्रेजेंट है आपके 9 तहसील। राजनांदगांव जिले में एट प्रेजेंट है आपके 9 तहसील। कौन कौन से तहसील है, एक है राजनांदगांव, ऊपर तरफ है आपका खैरागढ़, छुई खदान, कितने हो गए, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, 3 हो गए। नीचे तरफ है 3, अंबागढ़ चौकी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, 3-3 हो गए 6। एक है आपका छुरिया 7, मोहिला, मानपुर 8 और 9। अगर ये गंडई बन जाता है तो इस गंडई के ऐड होने के बाद यहाँ पर राजनांदगांव में आपके तहसील की संख्या हो जाएगी 10। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर ये चीज़ें अगर ये लागू हो जाता है, ये बन जाता है, इनका गठन हो जाता है तो इनसे एक प्रश्न पूछा ही जाएगा एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट है जलप्रपात। अभी हाल फिलहाल में जलप्रपात से कुछ ज़्यादा ही आपके न्यूज़पेपर में इस पर आर्टिकल आ रहे हैं। देखिए पीएससी हर साल एक ऐसा जलप्रपात से क्वेश्चन उठा रहा है जिसके आपको कहीं पे भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलेंगे। तो जो भी जलप्रपात आपके न्यूज़पेपर में आते हैं उसको याद किया कीजिए। करंट अफेयर से संबंधित कंटेंट मैं फेसबुक और टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, जो लोग ऐड नहीं हुए हैं वे भी ऐड हो जाइए। ठीक, तो देखिए ये जो आपका जलप्रपात है, पहले नंबर पर है आपका हांदावाड़ा जलप्रपात। ये जो हांदावाड़ा जलप्रपात है ये मौजूद है आपका ओरछा ब्लॉक के अंतर्गत, नारायणपुर जिला के ओरछा ब्लॉक के अंतर्गत मौजूद है आपका हांदावाड़ा जलप्रपात, जिसे स्थानीय स्तर पर इसे खूबसूरत जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में इसका नाम है हांदावाड़ा जलप्रपात जो कि जाना जाता है खूबसूरत जलप्रपात के नाम से स्थानीय स्तर पर। ठीक, ये ओरछा ब्लॉक नारायणपुर के अंतर्गत आता है जो कि आपका धारा डोंगरी नाला, ये जो आपका जलप्रपात है ये धारा डोंगरी नाले के ऊपर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा है आपका नीलम सरई जलप्रपात। एक्चुअली में ये जलप्रपात जब ऊपर से नीचे गिरता है तो ये एक उसके जो जल है या जो उसका पानी है वो एकदम चमकीले नीले कलर का दिखता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है नीलम सरई जलप्रपात। ये मौजूद है आपका तेलंगाना के साथ सीमा जहां बनता है, बीजापुर जिले में जहां तेलंगाना के साथ सीमा बनता है, तेलंगाना की सीमा पर मौजूद है नीलम सरई जलप्रपात। ठीक,
नेक्स्ट है आपका नंबी जलप्रपात। नंबी जलप्रपात ये मौजूद है आपके उसूर ब्लॉक के अंतर्गत, उसूर में मौजूद है आपका नंबी जलप्रपात, उसूर ये भी मौजूद है आपके बीजापुर में। नेक्स्ट है आपका लंकापल्ली जलप्रपात जो कि मौजूद है बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में तीन जलप्रपात कौन कौन से, नीलम सराई, नंबी और लंकापल्ली जलप्रपात। नारायणपुर जिले में एक जलप्रपात कौन सा, आपका हांदावाड़ा जलप्रपात या खूबसूरत जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम याद रखिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट है राज्य उत्सव। सबसे पहले मैंने आपको न्यूज़ में भी या पिछले बार के करंट अफेयर भी मैंने शेयर किया था कि कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में इस बार 5 दिवसीय आपका राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट ने अपने निर्णय को फिर से बदल दिया। कैबिनेट के द्वारा नया निर्णय लिया गया है कि जो आपका राज्योत्सव होगा ये 5 दिवसीय न होकर के 3 दिवसीय होगा। ये जो राज्य उत्सव है ये 5 दिवसीय ना होकर के 3 दिवसीय यानी 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा, जो कि पहले आयोजित किया जाता था आपका नवा रायपुर या नया रायपुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यापार एवं उद्योग परिसर नया रायपुर में इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन अब इसका आयोजन किया जाएगा आपका रायपुर, रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। देखिए दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव, दंतेवाड़ा विधानसभा में अभी हाल फिलहाल में आपके उपचुनाव संपन्न हुए हैं जिसके फाइनल रिजल्ट सामने आ गए हैं। आप सभी को मालूम होगा प्रदेश में अभी 2 सीट ऐसे हैं, विधानसभा के 2 सीट ऐसे हैं जो खाली हो चुके थे। एक है आपका दंतेवाड़ा जहाँ पे मौजूद थे आपके भीमा मंडावी, भीमा मंडावी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो विधायक चुन करके आए थे। इस साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें विधायक चुन करके आए थे आपके भीमा मंडावी, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई नक्सलाइट के द्वारा। तो हत्या किए जाने के बाद ये सीट खाली हो चुका था, इसलिए यहाँ पे हुए हैं उपचुनाव। एक और सीट है आपका चित्रकूट, चित्रकूट जहाँ पर आपके विधायक चुन के आए थे कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी जो दीपक बैज है उन्होंने लोकसभा से भी चुनाव लड़ा और लोकसभा से चुनाव लड़ करके जीत करके वो बन चुके हैं सांसद। तो सांसद बनने के बाद वो चित्रकूट का भी आपका सीट खाली है। तो प्रदेश में अभी 2 जगह आपके विधानसभा के उपचुनाव होने वाले थे, एक जगह संपन्न हो चुका है कहां पे, दंतेवाड़ा में, दूसरा जगह अभी बाकी है, कौन सा, चित्रकूट। तो जो आपका दंतेवाड़ा विधानसभा में जो आपका उपचुनाव हुए हैं उसमें विजेता रही या जीत करके या विधायक चुनी गई वो है आपकी देवती कर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा। समझिएगा इस विधानसभा उपचुनाव में आपके कांग्रेस और भाजपा के एक एक प्रत्याशी, ये महिला उम्मीदवार, दोनों महिला उम्मीदवार थे, एक थी आपकी देवती कर्मा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थी और दूसरी थी ओजस्वी मंडावी जो कि आपके स्वर्गीय श्री भीमा मंडावी जी की पत्नी थी। ठीक, तो इसमें लगभग जो आपकी देवती कर्मा है इन्हें लगभग 50,000 के आसपास वोट मिले थे और ओजस्वी मंडावी जी को लगभग 38,000 के आसपास वोट मिले थे। लगभग 11,000 वोटों के अंतर से देवती कर्मा कांग्रेस प्रत्याशी ये चुनाव जीत गई है। ठीक, नेक्स्ट नगरीय निकाय। अभी नवंबर दिसंबर के आसपास हमारे प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो इस नगरीय निकाय चुनाव से पहले इस नगरीय निकायों के प्रदेश में जो नगरीय निकाय की जो भी सीट है उसके लिए आरक्षण तय कर दिया गया है, विभिन्न पदों के लिए आरक्षण तय किया जा चुका है। समझिएगा प्रदेश में, हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो नगर निगम है, नगर निगम की संख्या है 13। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नगर निगम की संख्या कितनी है, 13। तो इसमें देखिए, इसमें जो आरक्षण है, आरक्षण तय किया गया है लॉटरी पद्धति के माध्यम से। लॉटरी निकाल करके किस सीट पर किस वर्ग का आरक्षण होगा, एसटी का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा, जनरल का होगा, किस सीट पर किस वर्ग का आरक्षण होगा यह तय किया गया है लॉटरी पद्धति के माध्यम से। तथा इस प्रत्येक सीट पर, मतलब आपका जो जितनी भी सीट है, मतलब जो भी निकाय है, जैसे आपका ग्राम नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, हर एक निकाय में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो होगा 33%। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो पहले से तय है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, तो समझिएगा सबसे पहले नंबर पर है आपका नगर निगम। नगर निगम अध्यक्ष जिसमें होते हैं आपके महापौर, कौन होते हैं, महापौर होते हैं। तो हमारे प्रदेश में जो नगर निगम की संख्या कितनी है, 13 नगर निगम है हमारे प्रदेश में एट प्रेजेंट। तो इस 13 नगर निगम में या नगर निगम की 13 सीट में से कुल 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, 13 नगर निगम सीट में से महिलाओं के लिए 4 सीट आरक्षित की गई है, यानी अगर ये चुनाव संपन्न होते हैं तो इसमें 4 महिला महापौर जरूर होंगे। ठीक,
तो देखिए ये जो नगर निगम है 13 नगर निगम है, तो 13 नगर निगम में लॉटरी पद्धति के माध्यम से जनरल ओबीसी एसटी एससी जनरल के लिए 7 सीट, ओबीसी के लिए 3 सीट, एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है। यदि ऐड करेंगे तो 7+3+2+1 कितना होता है 13। ठीक, अब समझिएगा महिलाओं के लिए कितना सीट है, टोटल 4 सीट है। तो ये 4 सीट कहाँ कहाँ पर है उसे भी याद रखिएगा। जो महिलाओं के लिए 4 सीट आरक्षित की गई है वो किस वर्ग की होगी तथा किस नगर निगम से होगी उसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में आपका 7 सीट आरक्षित किया गया जनरल वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। तो इन 7 सीट में से 2 सीट महिलाओं का होगा। 2 सीट कौन कौन से, एक जगदलपुर नगर निगम, दूसरा चिरमिरी नगर निगम। ये 2 सीट आपके महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे सामान्य वर्ग से। दूसरा है ओबीसी, ओबीसी में 3 सीट आरक्षित है आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इन 3 में से 1 सीट आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, वो 1 सीट है आपका राजनांदगांव। फिर आपका नेक्स्ट है अनुसूचित जाति वर्ग यानी एससी वर्ग, जिसमें 2 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। इन 2 सीट में से 1 सीट आपका रखा गया है महिलाओं के लिए, वो 1 सीट है अनुसूचित जाति वर्ग महिला कैटेगरी के लिए है आपका रायगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जनरल कैटेगरी से महिला कौन कौन, महिला कहां कहां पर चुनी जाएगी, जगदलपुर चिरमिरी। ओबीसी कैटेगरी से एक जगह कहां पे, राजनांदगांव में। अनुसूचित जाति वर्ग से चुनी जाएगी आपके रायगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्रदेश में जो 13 नगर निगम है, 13 नगर निगम सीट में से एकमात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कहां सीट आरक्षित है, तो याद रखिएगा वो है आपके अंबिकापुर। इस 13 नगर निगम में से एकमात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग का सीट या एसटी कैटेगरी का सीट आरक्षित है आपके अंबिकापुर में, इसे अलग से याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए जो आपका प्रदेश में कितने नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, इसको लेकर हमेशा डाउट होते हैं। न्यूज़ में एक करंट अपडेट आया है उसे याद रखिएगा। प्रदेश में नगरीय निकाय की संख्या कितनी है, टोटल 165। प्रदेश में ये जो आरक्षण तय किया गया है, देखिए नगर पालिका का भी आरक्षण तय किया गया, नगर पंचायत का भी आरक्षण तय किया गया, लेकिन उसके आरक्षण से हमको कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आंकड़े हैं, उतने आंकड़े हम पढ़ भी नहीं सकते। समझिएगा प्रदेश में एट प्रेजेंट आपके 165 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। तो उन 165 निकायों में से हमारे पास अभी एट प्रेजेंट मौजूद है 13 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 109 नगर पंचायत। याद रखिएगा 13 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 109 नगर पंचायत। 109 प्लस 43 प्लस 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 165 नगरीय निकाय। इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद करते चलिए। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उसमें से एक आधी ऑप्शन अगर मिसमैच होगा तो आपको उसे करेक्ट करना होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट है नियुक्ति, उसमें है आपकी पहले नंबर पर है हर्षिता पांडे। हर्षिता पांडे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी, पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी हर्षिता पांडे, जो कि बीजेपी सरकार के समय अध्यक्ष थी। अब समझिएगा इन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है सेंट्रल लेवल पे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे को। अब प्रश्न ये उठता है कि जो महिला आयोग है केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर मतलब ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपकी रेखा वर्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और राज्य की वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, केंद्र में सेंट्रल लेवल पे है रेखा वर्मा, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन है एट प्रेजेंट, तो याद रखिएगा अनिला भेड़िया जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री या विभाग उन्हें दिया गया है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग भी है उनके पास और महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष भी है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामजी भारती जो कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। रामजी भारती जो कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है, समझिएगा ये इनकी नियुक्ति हुई थी वर्ष 2018 में, यानी पिछले साल
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 साल का। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी, यानी इनका कार्यकाल पूर्ण होता आपका 2021 में, लेकिन बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने इन्हें उनके पद से हटा दिया। इन्होंने कोर्ट में केस किया और केस जीत भी गए। तो ये जो हमारे रामजी भारती है, इन्हें पुनः राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है, जिनका कार्यकाल होगा आपके 3 साल का। तो हमारे राज्य में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामजी भारती। जबकि सेंट्रल में या केंद्र में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन हो रहा है, हो रहा था आपका कनाडा में। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सी मोहन कुमार। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सी मोहन कुमार ने भारत के लिए कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि कनाडा में आयोजित हो रहा था, तो भारत के लिए हमारे प्रदेश के सी मोहन कुमार ने 795 किलो के सर्वाधिक वजन उठा करके उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। कौन? सी मोहन कुमार। किससे संबंधित है? पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल मित्र पंचायत पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल मित्र पंचायत पुरस्कार, देखिए पहले समझिए बाल मित्र पंचायत होता क्या है। पंचायत जिसका कार्य होता है ग्राम पंचायत या जो आपके ग्राम है, एक पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम शामिल है उसमें स्वास्थ्य सेवा स्वच्छता ये सारे कार्यों का क्रियान्वयन करना। लेकिन बाल मित्र पंचायत का मतलब क्या होता है? ये जो आपका जो पंचायत के जो नॉर्मल कार्य है स्वास्थ्य सेवा सफाई, इसे बाल स्तर पर करना। बाल स्तर पर मतलब देखिए, एक बाल मित्र पंचायत के कार्य होते हैं बच्चों के टीकाकरण, बच्चों के टीकाकरण, बच्चों में कुपोषण मुक्त बनाए रखना, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उन्हें पोषण प्रदान करना, वजन त्योहार का आयोजन करना, इसके अलावा साफ सफाई करना, खुले में शौच मुक्त अभियान चलाना, यानी बच्चों से संबंधित जितनी भी आपके कार्य किए जाते जा सकते हैं एक पंचायत में, बच्चों के विकास के लिए बाल मजदूरी में रोकथाम करना, ठीक, तो बच्चों से संबंधित जितने भी कार्य किए जा सकते हैं एक पंचायत के द्वारा, तो वो पंचायत होते हैं आपके बाल मित्र पंचायत। हमारे प्रदेश का पहला बाल मित्र पंचायत था आपका तखतपुर। प्रदेश का पहला बाल मित्र पंचायत था आपका तखतपुर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय के द्वारा हमारे प्रदेश के कुटरू ग्राम जो कि भैरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत, बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है आपका कुटरू ग्राम, जिसे इसी कार्य के क्रियान्वयन के लिए बाल मित्र पंचायत के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है रैंकिंग, शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग समझिएगा, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जिसे जारी किया जा गया है आपके नीति आयोग के द्वारा। फिलहाल ये इंडेक्स अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, ये इंडेक्स अभी फिलहाल पीएमओ में मौजूद है, लेकिन ये इंडेक्स फिर भी न्यूज़पेपर के माध्यम से सामने आए हैं। ठीक, ऑफिशियली अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये जो आपके शिक्षा गुणवत्ता जो आपका रैंकिंग जो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जिसमें तीन इंडेक्स को ध्यान पर रख करके इसका मूल्यांकन किया गया, तो इस शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में, स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता के मामले में आपके प्रदेश पूरे भारत भर के 20 बड़े राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर है आपका केरल, पहले स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर है राजस्थान और हमारा छत्तीसगढ़ है 13वें स्थान पर। ठीक, 13वें स्थान पर शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग या स्कूली शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट है निधन, प्रोफेसर प्रभुदत्त खेड़ा जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, ये इनका संबंध था आपका शिक्षा क्षेत्र से। प्रोफेसर प्रभुदत्त खेड़ा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो कि रिटायर होने के पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ के, दिल्ली से छत्तीसगढ़ में आकर के अचानक मार क्षेत्र के लमनी ग्राम में एक छोटी सी कुटिया बना करके रहते थे और वहाँ के आदिवासी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया करते थे। समझिएगा, रिटायर थे दिल्ली के रहने वाले जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, रिटायरमेंट के बाद इस अचानक मार क्षेत्र के
लमनी ग्राम में एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहाँ के आदिवासी बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। समझिएगा, इन्हें पिछले ही साल महात्मा गांधी कार्यांजलि पुरस्कार, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महात्मा गांधी कार्यांजलि पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। यदि प्रश्न पूछा गया कि प्रोफेसर प्रभुदत्त खेड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा शिक्षा के क्षेत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट है योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अभी हाल फिलहाल में आपके कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा। जो प्रदेश में जो आपका छात्रावास आश्रम और कल्याणकारी संस्थाएं थी, छात्रावास आश्रम और कल्याणकारी संस्थाएं, यानी ऐसे आश्रम या छात्रावास या ऐसी कल्याणकारी संस्थाएं जो कि राज्य सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त या मान्यता प्राप्त थी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त या मान्यता प्राप्त थी, उन्हें खाद्यान्न सहायता प्रदान करना केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा सहायता बंद किए जाने के बाद अब इन छात्रावास आश्रम और कल्याणकारी संस्थाओं को जो मुख्यमंत्री सहायता योजना, प्रदेश के जो योजना ऑलरेडी संचालित है, मुख्यमंत्री सहायता योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से इसे लिंक किया गया, यानी जोड़ा गया है। तो इस मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत इन कल्याणकारी संस्थाओं और छात्रावास आश्रमों में जितने भी हितग्राही मौजूद होंगे, तो उसमें 15 किलो प्रति हितग्राही के दर से इन कल्याणकारी संस्थाओं को प्रति माह 655 टन चावल प्रति माह इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो इस मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो कल्याणकारी संस्थाओं के लगभग 43,640 हितग्राही लाभान्वित होंगे। ठीक, तो ये इतने सारे आंकड़े जो कि इंपॉर्टेंट थे, सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, स्पेशली ये चुनाव से संबंधित और ये जो आपके गोरिल्ला पेंट और मरवाही की जो सीमा है, इसे इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जो आपका CGPSC ई पाठशाला की जो टेस्ट सीरीज से संबंधित कल एक वीडियो आएगा, उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जो आप सभी को मालूम है नवरात्रि का समय आ चुका है, आजू बाजू अब काफ़ी शोरगुल वाला माहौल रहेगा। रात के 2-2, 3-3 बजे तक आपके यहाँ पे डांडिया का कार्यक्रम का आयोजन, डांडिया गरबा इसे ये सब का आयोजन होता है, तो रात तक यहाँ पे DJ बजते हैं, तो हो सकता है कि वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाए। ठीक, एक बार ये त्योहारों का समय थोड़ा ख़त्म हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो सके आपके लिए, मैं रात को भी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी यदि ऐसा कुछ कंडीशन रहा कि आसपास ऐसे शोरगुल वाला माहौल रहा, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी शांत माहौल है, तो इस शांत माहौल में वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी आसान है। टॉप फ्लोर पे मेरा रूम है, यहाँ पे आवाज़ काफ़ी आते हैं, बाहरी आवाज़। ठीक, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, फेस्टिवल का समय है, वीडियो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। ठीक, तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।